स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जब हम इसे पढ़ाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है केस स्टडी सोल्व करने में, कि मैम प्रॉब्लम्स आती हैं कि केस स्टडी को कैसे सोल्व किया जाए, केस स्टडी को कैसे रिमूव किया जाए ताकि हमारे जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी कम हो जाए। तो सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर तीन ही कॉन्सेप्ट आते हैं, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन साइंस की, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की, तो हम केस स्टडी में कैसे देखेंगे कि वो साइंस है, वो आर्ट है या प्रोफेशन है। तो सबसे पहले केस स्टडी को सोल्व करना कि वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, तो सबसे पहले इनकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या कहती है, आर्ट क्या कहता है और प्रोफेशन क्या कहता है। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस क्या है? साइंस, साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से गेन करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस, साइंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियरिंग पर्सन है, वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है एज ए इंजीनियर की। अगर डॉक्टर है, सीए पर्सन है, जब वो अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं तो उसे साइंस कहा जाता है। इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कब हमारी मैनेजमेंट साइंस बन जाती है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जब आप किसी भी चीज की सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं, 5 to 6 years उस चीज के ऊपर क्या करते हैं, आप थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस में सिखाया जाता है कि कोई भी चीज ऊपर थ्रो करो वो नीचे आती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आती है। तो वो क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमें बताती है कि किसी भी चीज को किस प्रकार करना है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि जो हम सिद्धांत बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं, क्योंकि जब हम उस चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किस कारण ये काम हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड विल बी डिक्रीज हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल जो हमारे बेस्ड हैं वो किस बेस्ड पे हैं? एक्सपेरिमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या कहता है? कि जब हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन कर लेते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो जाते हैं, तो उन सभी लॉज को, उस नियम को क्या मिल जाती है? यूनिवर्सल वैलिडिटी मिल जाती है। ये था हमारा मैनेजमेंट एज साइंस। जब आप केस स्टडी में पता लगाएंगे, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तीसरा वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट पे आते हैं। आर्ट क्या है? किसी भी चीज की आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है? आर्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंजीनियरिंग की स्टडी की, ठीक, एज ए इंजीनियर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को शो कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? आर्ट बन जाती है। जब आपके पास एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज है और उस नॉलेज को आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करते हैं। अब इसकी टेस्टिंग आप कैसे पता लगाएंगे कि उस केस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपके पास क्या होनी चाहिए? थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज आप उस प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप पेपर कैसे दे सकते हो जब आपने उस पूरा साल रीड ही नहीं किया उस बुक को? बिना पढ़े आप उस बुक की एग्जाम नहीं दे सकते। उसी प्रकार अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तभी आप अपनी स्किल को शो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब जैसे टीचर है उसका अलग आर्ट होगी, अगर कोई प्लेयर है तो अलग आर्ट है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। उस पर्सनल अपनी स्किल्स को वो क्या करते हैं? अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। लेकिन उसी स्किल को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक, अब तो आपकी क्रिएटिविटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यानी जितनी स्किल के साथ आप वर्क करते हैं तो जितनी स्किल के साथ आप काम करते जाएंगे आपकी क्रिएटिविटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज को एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड
क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है जब आप एक स्पेशलाइजेशन डिग्री गेन कर लेते हैं और उस डिग्री के बेसिस पे आप क्या बन जाते हैं, एक प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MBA है, मास्टर डिग्री है आपके पास, आप क्या बन चुके हो, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन चुके हो, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। वेल डिफाइंड, इसके अंदर कहता है कि एक पर्सन के पास एक स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल डिग्री होती है जब वो अपनी लाइफ में अपनी स्किल को क्या करता है, शो करता है। इसमें आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, उस स्किल, उस पर्सन को अपनी पूरी स्किल दिखाने के लिए उस चीज की क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए वेल डिफाइंड, और उसे पूरी स्किल का पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। विदाउट एजुकेशनल डिग्री आप उस फील्ड में क्या नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। आप अपने नाम के आगे CA लगा सकते हो? विदाउट एजुकेशनल डिग्री आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो? नहीं। हमें एजुकेशनल डिग्री के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है बेटा संगठन। जब एक मेंबर्स का संगठन बन जाता है तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि एक पर्सन को जिस भी फील्ड में वो जाता है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव ये कहता है कि आपको सोसाइटी का वेलफेयर भी करना होता है ताकि आप इजीली क्या कर सको। जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीट करता है, क्या वो पैसे अर्न नहीं करता, करता है, अर्निंग मनी करता है, लेकिन वो साइड बाय साइड क्या कर रहा है, सोसाइटी को सर्विसेज दे रहा है। जैसे टीचर, क्या वो अर्निंग नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी वेलफेयर करते हैं कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रोफेशनल डिग्री में आता है। तो अब आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में केस स्टडी को सोल्व करने के लिए एज ए साइंस इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखिए, आर्ट है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, प्रोफेशन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, और आई होप आपकी केस स्टडी बहुत इजिली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।